सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी, मेरे टाइम बताती हूँ सबसे पहले 9:07 से। तो मैं पहुँच चुकी हूँ जी आज सुबह सुबह खेत, और रात की आई हुई है जी बहुत ज़्यादा बारिश। तो आज हम दोबारा से खेत खोदने का काम शुरू कर रहे हैं। तो देखे जी यहाँ पे है जी महिला शक्ति काम करते हुए। तो मम्मी है जी परे, तो यहाँ पर है जी। ये क्या है? तो देखे जी यहाँ पर मैं लेके आई हूँ इनके लिए बीड़ी। आने दी ना, कैसे बीड़ी का कुटा आने दी ना। तो ये हाँ, तो एनर्जी नहीं है ये आप सबकी। जितनी ज्यादा थकावट होगी देखो इसको पी के इनकी थकावट दूर हो जाती है। हो जाएगी थकावट दूर? हाँ। तो देखिये जी आज मौसम की बात की जाए तो देखिये जी सामने के लिए धुंध ही छाई हुई है। तो देखिये जी ये वाला खेत खोद दिया है जी, सामने से लेकर आ चुके हैं इसको खोदते खोदते यहाँ तक। अभी यहाँ से लेके जाएगी जी इसको पार के लिए, फिर आता है जी हमारे ऊपर वाला खेत खोदने के लिए। का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो देखिये जी पहाड़ पे फॉगी फॉग छाई हुई है। चलो जी दोस्तों मैं भी उठा देती हूँ अब कस्सी। ये है जी कस्टू, इसके लिए हमारे कस्टू बोला जाता है। कस्सी रखी हुई जी मेरे वाली कस्सी, किसके पास है? मेरी कस्सी है जी परे, तो इसको मैं यहीं पे रखती हूँ। ये तो मैं नहीं उठाऊंगी, मैं अभी कस्सी उठाऊंगी। तो मेरी कस्सी है जी यहाँ पर। तो इस वाले खेत में क्या बीजे हमने? कोलत। तो इस पिछली बार भी वही बीजा था ना, कैसा हुआ था? तो इस बार भी हमने इसमें कोलत ही बीजे हुए हैं। तो अब राजी हमारे यहाँ से वहाँ पर तक ये वाला खेत, तो देख सकते हो आप कितना हमने कर दिया है। तो दोस्तों खोते खोते लग चुकी है जी प्यास, तो अभी मम्मी को नहीं लगी है। लगी है आपको भी? तो मम्मी के लिए भी यहाँ पे मैं पानी लेके आई हूँ। उफ। तो दोस्तों नेपाल का खोते खोते इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना। हाँ जी, नेपाल में कौन सी जगह से? कौन सी जगह से? तो दोस्तों समझो मैं क्या बोला। कान में बूंदे लगाए। कैसे मतलब किस चीज, किसको बोला? चलो जी इस वाले खेत से हो चुके हैं जी खत्म, अब चलते हैं जी दूसरे वाले खेत के लिए। ये ऐसे हंस रही है कि फोटो बनाती रहती है, फोटो बनाती रहती है तब हंस रही है। तो हम भी आ चुके हैं जी दूसरे वाले खेत। तो देखिए जी अब तो धूप भी लग चुकी है, सामने करते हैं जी सूर्य देवता जी के दर्शन। इसमें क्या बीज रहे हम? राजमा। दिखा दो। तो देखिए जी यहाँ पे बीज रहे हैं जी हम राजमा। तो ये हमको एक बीजने। तो आज ना इस यहाँ पे है जी हमारे चिकनी मिट्टी। तो देखिए जी बारिश बहुत ज्यादा आई हुई है, तो इसलिए नीचे देख सकते हो आप बहुत ज्यादा गीला हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप। तो यहाँ पे खोदना होगा जी बहुत ज्यादा टफ। देखिए जी अब सेब में भी लाल कलर आने लग चुका है। तो देख सकते हो अब पत्तियों का कलर ना पीला हो चुका है, ये हुआ जी इसमें लग चुकी है जी बीमारी। तो देख सकते हो आप ये पीला होने लग चुका है। अब ना ये कुछ टाइम के बाद सूख जाएगी ये वाली टहनी, ये वाला टहनी तो ऊपर के लिए सूखी हुई है, तो ये वाली भी सूख ही जाएगी, इसलिए इसमें साइज भी नहीं बड़ा है। सेब का साइज बहुत ज़्यादा कम है, तो देख सकते हो आप कितना छोटा छोटा साइज है सेब का।
रहा है। तो देखिए जी, सामने वाली पहाड़ी के ऊपर धुंध छाई हुई है। और देखिए जी, नीचे सतलुज नदी की बात की जाए तो सतलुज नदी भी बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है जी। सतलुज नदी में भी जैसे बारिश रात की बहुत ज़्यादा हुई है, तभी इसका पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखिए जी, बहुत ही सुंदर व्यू है और आसमान में है जी आज अभी बादल ही बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद बारिश भी हो सकती है। तो देखिए जी, यहाँ पर मिले जी मौली से। और भाई मौली, तो ये अब रह चुकी है जी हमारे घर में सिर्फ मौली। डॉली मर चुकी है क्योंकि उसने खाया जी चूहा। तो जैसे पेड़ों के लिए लोगों ने चूहों के लिए दवाई डाली होती है पेड़ों की जड़ों के पास, तो मिक्कू रानी लेके आई थी जी उस बिल्ले उस चूहे को, तो उसने वो खाया और वो मर गई। तो अब ये लगी हुई है जी अपने बच्चे को ढूंढने। तो देख सकते हो आप क्या हुआ। ओहो, दोनों ढूंढ रहे हैं, दोनों को ही नहीं मिल रही है वो। तो चलो जी, इधर निकल चुका है जी लंच। तो इसमें है जी आज बालड़ी की दाल, चावल और लस्सी। तो दोस्तों, मैं भी उठ चुकी हूँ जी सो के। तो जैसे ही मैंने लंच करा था मैं उसी तरह से ही सो गई थी। तो अभी हो रहा है जी टाइम, अभी 3 बज रहे हैं। तो अब जाना है जी मैंने खेत, तो खेत लेके जाना है जी मैंने, अपने साथ चाय लेके जाऊंगी खेत के लिए। तो देखिए जी, इधर की बात की जाए तो इधर अभी हल्की हल्की धूप खिली हुई है और सभी लोग जा चुके हैं जी खेत के लिए। तो दोस्तों, मैं भी लेके आ चुकी हूँ जी चाय। तो मैं पहुँच चुकी हूँ जी खेत में। तो आप देख सकते हो खेत में अभी मात्र शक्ति बैठी हुई है। वाह भाई वाह, पूरा खेत निकाल दिया, क्या बात है। देखा दोस्तों, मेरा भी सो के उठ रही हूँ। ओहो, नमस्ते मैंने। तो अब देते हैं जी चाय। लो चाय, चाय भी नहीं कुटाना। लो तो दोस्तों, मैंने भी घर में चाय नहीं पिया, थोड़ी देर पीऊंगी खेत में। ओके, जरा पानी पियो ना, गोरखो तो होगा पेट मेरा एकदम मस्त, मीठा बढ़िया पड़ा है। ओहो, इधर भी आ चुका है जी अपना भाई साहब। तो ये भी आया हुआ है जी खेत के लिए रस्सी लेकर। अभी लेके जाएगा ये घास, ट्रेलर वो तो ले गया घर अब। भाई हमारे गांव के लड़के बहुत ज्यादा तेज है, बहुत तेज मेहनती है, बहुत ही मेहनती। तो चलो जी, मासी और कुशु भी चल पड़े हैं जी घर के लिए। तो इधर उठ चुके हैं जी, मम्मी भी उठ चुके हैं, मम्मी लग चुके हैं जी बीजने, तो पीछे लगे हुए हैं जी खोदने। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं भी उठ जाती हूँ, अब सब लग चुके हैं जी काम में। तो मैं कहाँ लगाऊंगी भाई, बैठी हुई अच्छी, मैं भी करती कुछ काम। मैं खोदूंगी तो नहीं, मैं करूँगी जी पीछे से जो ये घास है इसको निकालूंगी। तो जैसे आगे आगे ये खोद ही रहे हैं, तो पीछे जो ये घास है इनको हम करेंगे जी साइड इस तरह। इस वाले खेत में क्या बीज रहे दिखाओ, दिखाओ। मक्की और बाली। मम्मी ने भी खेतों में चूहे ही लगाने हैं, तब तक मम्मी मानेगी नहीं जब तक इधर पेड़ों के जड़े ना खा दे। तो सामने वाले खेत की बात की जाए तो सामने वाले खेत में भी लगे हुए है जी बीजने का काम शुरू करा हुआ है। तो सभी लोग बारिश का वेट कर रहे थे, जैसे ही बारिश हुई सभी ने कसिया उठाई और लगे अपने खेतों को खोदने, बीजने का काम शुरू करा। तो देखिए जी, इस वाले खेत में सेब का साइज भी बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है,
अभी देखते हैं जब तक सेब तोड़े नहीं तब तक कितना साइज बढ़ता है जरा।